हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम फिर से गेम बना रहे हैं एंड विच विल बी द शार्क गेम। एंड ये गेम में आप कभी भी आउट नहीं हो सकते, तो ये मेरा इसका कॉन्सेप्ट है। एंड इसका मैंने बैकग्राउंड ऐसा चीज़ किया है, तो इसका ये वाला फर्स्ट पार्ट होएगा जो आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड इसके इसके सेकेंड पार्ट के लिए आपको क्या कहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल ही जाए। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने इसका बैकग्राउंड जो है वो सेट कर रहा था, क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड वगैरह चाहिए था। पहले मेरे को लगा कि मेरे को स्नेक गेम बनानी चाहिए, पर मेरे को स्नेक का इतना अच्छा वो मिला नहीं। तो अभी हम ये बना रहे हैं एंड इसमें मैंने बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। एटलीस्ट 1 आवर की होएगी ये रिकॉर्डिंग पूरी, जिसको मैं अभी एडिट कर रहा हूँ बैठ के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड बेल आइकन भी दबा दो। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं अभी इसके क्या कहते हैं कोड से। अभी इसके कोड होएगा ऐसा कुछ कि जब आप व्हेन शार्क टचेस द फिश हाइट्स एंड अपीयर्स इन 1 सेकेंड। तो इसको ये वाला हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा। एंड इसका स्कोर वाला भी मैंने फिर से फिगर आउट कर लिया कि कैसे बनाएं। तो अब हम स्कोर भी लगाएंगे इसका एंड थोड़ी साउंड वगैरह भी ऐड करूँगा। एंड बैकग्राउंड में मैं अभी कोरल्स वगैरह भी ऐड कर रहा हूँ। सो ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ए एंड डी से इधर उधर जाएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अभी आपको ये टाइम लैप्स इंजॉय करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या किया। सो देखो अभी ये तो था बैकग्राउंड वगैरह बनाना। तो अभी हम आ गए हैं द बेस्ट पार्ट, कोडिंग पार्ट। तो अभी इसमें मेरे को पहले इसका मैंने शार्क का साइज चेंज किया है, छोटा रखा है थोड़ा सा, क्योंकि ये सारा फिर मतलब घेर रही थी। तो अभी मैंने इसमें लगाना मतलब टर्न वगैरह का मैंने उसका देख लिया, पर वो टर्न ऐसे मतलब हो नहीं रही थी। सो आई डिसाइडेड कि उसको एक ही लाइन में ऐसे ऐसे जाने देते हैं एंड बाद में अगर मेरे को पता लगे तो पार्ट टू में हम उसको कर देंगे। तो पहले मैंने इसके अंदर सारे कंट्रोल्स ऐड किए इधर उधर जाने के, तो वो वाले मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट सब कुछ बन गया था एंड अभी सेकंड पार्ट के लिए आप सभी वेट कीजिए एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।